नपुंसकता का मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी आज लेंगे। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी सारे लोग अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं। कोई बोलता है सेक्सुअल डिसफंक्शन है, तो कोई बोलता है साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस है, तो कुछ लोग बोलते हैं नपुंसकत्व है या नपुंसकता है, कुछ लोग बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कुछ लोग बोलते हैं ईडी, कुछ लोग बोलते हैं लैंगिक समस्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी है या स्टेरिलिटी है, कुछ लोग बोलते हैं कि बिस्तर नहीं कर पाते, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम संबंध नहीं कर पाते। ऐसे अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करके लोग हमारे पास में आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम हमारे पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक्चुअली नपुंसकत्व जो है नॉर्मली जो इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए पर जाता है, या साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस या ईडी, उसमें लिंग में कठोरता नहीं आती। और लिंग में कठोरता एक तो आती नहीं है, और लिंग में कठोरता नहीं आने की वजह से लिंग का योनि में प्रवेश नहीं होता, वो एक है। या फिर लिंग में कठोरता आती है, अल्प काल जो है वो टिकती है, और योनि में प्रवेश होने के पहले ही कठोरता चले जाती है, और फिर उसका समागम या संभोग नहीं हो सकता। तो जब वो लिंग का प्रवेश योनि में नहीं होता है तो उसको फिर बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस है, या इम्पोर्टेंस है, जो भी। ऐसा नहीं है कि जिनको सेक्स करना जमता नहीं है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उनको बच्चे होंगे नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनको सेक्स नहीं आता है, लिंग में कठोरता नहीं आती, मगर उनको बच्चे हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे होने के लिए ऐसा नहीं कि रोज की रोज ही संभोग करना जरूरी है, जो सेफ पीरियड है उसमें यदि सेक्स होता है तो बच्चा हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि स्पर्म्स नहीं है, मतलब शुक्राणु नहीं है धातु में अजुस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया है, इसका मतलब वो सेक्स नहीं कर पाता, ऐसा भी नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनको बच्चे नहीं है, बच्चे होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उनको स्पर्म्स ही नहीं है उनके सीमेन में, धातु में, मगर वो सेक्स कर पाते हैं और दोनों सुखी है और मतलब समाधानी है कि मैंने ठीक है संभोग हमारा हो रहा है और हम खुश है, हम एंजॉय करते हैं, मगर बच्चा नहीं है क्योंकि उसमें धातु में जो शुक्राणु होना चाहिए वो नहीं है। तो वो इनफर्टाइल है या स्टराइल है, स्टेरिलिटी है या इनफर्टिलिटी है, उसका और इम्पोर्टेंस का कोई संबंध है नहीं। अभी जब इम्पोर्टेंस का जो व्यक्ति हमारे पास में आता है कि भाई मैं सेक्स नहीं कर सकता, पत्नी के साथ में बिस्तर नहीं कर सकता, लिंग में कठोरता नहीं आती, या मैं कुछ काम का नहीं रहा, ऐसा जब लोग लेके आते तो हमको ये देखना पड़ता है कि उसमें साइकोजेनिक है वो कारण कि फिजिकल कारण है, मतलब कोई शारीरिक प्रॉब्लम है जिसके वजह से उसको लिंग में कठोरता नहीं आती, कि मानसिक कारण है जिसके वजह से उसको लिंग में कठोरता नहीं आती। ज़्यादातर लोगों को मानसिक कारण से लिंग में कठोरता आती नहीं है, ज़्यादातर करीब करीब 35-40 साल के नीचे यदि लिंग में कठोरता आती नहीं है तो ज़्यादातर वो मानसिक कारण ही होता है। और 40-45 साल के बाद में यदि पहली बार ऐसा हुआ कि लिंग में कठोरता नहीं आ रही है तो फिर हमको उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करके कोई शारीरिक कारण है क्या वो देखना पड़ता है, अदरवाइज यूजली साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस ही होता है और उसका इलाज होता है। तो यह नपुंसकत्व के बारे में कि उसको अलग अलग नाम से पहचाने जाता है और उसका इलाज हो सकता है। उसमें कुछ ऐसी मतलब बहुत डिप्रेस नर्वस होने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग बोलते कि मैं पत्नी के सामने अभी मुंह बताने लायक नहीं हूँ, कुछ लोग बोलते कि नहीं, पत्नी के साथ में मैं इसकी चर्चा ही नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ कि भाई पत्नी के साथ में चर्चा क्यों नहीं कर सकते, पत्नी को ऑलरेडी मालूम है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे, आपको फिर क्या चर्चा नहीं कर सकते, उसको मालूम है, आप कुछ तो भी कारण देके टाल रहे हैं। बोलते कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी कुछ करके रात को लेट जाना या ऐसा कुछ तो भी बोलना और टाल देना, मगर उसको मालूम है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि वो आदमी अपने पत्नी के साथ में बातचीत करता है तो उसका आधा प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो पत्नी के साथ में बातचीत करना और उसको ये ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो ये नपुंसकत्व के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।